हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? व्हाट्सएप तो हम सब यूज़ करते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन हो तो आप व्हाट्सएप यूज़ ही करते होंगे, और अब तो फीचर फोन में भी व्हाट्सएप आ चुका है। तो व्हाट्सएप पर यहाँ पे एक नया फीचर आ चुका है। डे बाई डे व्हाट्सएप बहुत सारे नए नए फीचर ऐड कर रहा है, तो यहाँ पे एक और नया फीचर आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में इसी फीचर के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं टेकी देव यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब से स्टोरी फीचर लॉन्च हुआ है, बहुत ही पॉपुलर हो चुका है, चाहे वो फेसबुक हो या फिर व्हाट्सएप हो या फिर इंस्टाग्राम हो। तो व्हाट्सएप में भी आप स्टोरी फीचर को यूज़ करते हैं, है ना? तो यहाँ पे स्टोरी फीचर के ऊपर एक नया अपडेट आ चुका है व्हाट्सएप पर। तो चलिए देख लेते हैं क्या वो नया फीचर व्हाट्सएप के ऊपर ऐड किया गया है। चलिए यहाँ पे स्टेटस के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पे स्टेटस और स्टोरी सेम चीज ही है, जो आपका फेसबुक में स्टोरी का ऑप्शन मिलता है, जो इंस्टाग्राम में स्टोरी का फीचर मिलता है, वही यहाँ पे व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस नाम पे जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर आप कोई स्टेटस को ऐड करते हैं, तो चलिए यहाँ पे मैं कोई स्टेटस ऐड कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाय। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टेटस को अपडेट कर देता हूँ। तो जब भी यहाँ पे आप कोई स्टेटस को अपडेट करेंगे, यहाँ पे स्टेटस डाल देंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर टू फेसबुक स्टोरी। तो डायरेक्ट ये जो स्टेटस आपने व्हाट्सएप के ऊपर डाले हैं, डायरेक्ट चला जाएगा फेसबुक स्टोरी में। अगर आप इसके ऊपर टैप करते हैं तो शेयर टू फेसबुक स्टोरी, तो फेसबुक स्टोरी में आप इसे पोस्ट कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जस्ट व्हाट्सएप की स्टेटस को ही आप फेसबुक स्टोरी में डाल सकते हैं, लेकिन एक ही बार आपको मिलेगा। अगर आप डाल देते हैं तो दूसरी बार आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बैक कर देता हूँ। अब देख सकते हैं जब मैंने इसे बैक कर दिया तो यहाँ पे स्टेटस शेयर का ऑप्शन गायब हो चुका है। ओके, तो फर्स्ट टाइम ही आपको मिलेगा, अगर आप फर्स्ट टाइम में नहीं करते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। तो यही फीचर यहाँ पे ऐड हुआ है व्हाट्सएप के ऊपर। तो व्हाट्सएप के इस फीचर को लेने के लिए आपको व्हाट्सएप को अपडेट करना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाके आप व्हाट्सएप को अपडेट कर लीजिए, ठीक है? फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है व्हाट्सएप का ये जो नया फीचर, तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे फीचर व्हाट्सएप पहले बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम के लिए देता है, उसके बाद स्टेबल वर्जन में आता है। क्योंकि मैं बीटा टेस्टर हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बीटा वर्जन यूज करता हूँ, तो मुझे पहले ही सब कुछ मिल जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।